हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11th नवंबर मंडे और आज से सभी मम्मी की दोबारा ड्यूटी लग गई होगी क्योंकि बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। आज गुड्डू भी सुबह स्कूल चला गया है, तो जो सुबह सुबह का जो मम्मियों का काम होता है, बच्चों को उठाना, टिफिन रेडी करना, उनका वाटर बैग रेडी करना, स्कूल बैग रेडी करना, वो सारी ड्यूटी आज सभी मम्मीज की लग गई होगी। तो उन सब मम्मीज के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज घर में लंच में बन रही है पाव भाजी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का वर्किंग हमारे सिटी में ही है, यही लोकल वर्किंग है। तो पाव भाजी खाना था और पाव भाजी के साथ, पाव भाजी मतलब पाव नहीं आएगा, ब्रेड नहीं आएगी, घर में जो आटे की रोटी होती है मतलब पराठा, वो बनने वाला है आज। और आज मेरे जो सोफ़ा के जो कवर्स थे वो आ गए हैं, कुशन कवर्स आना बाकी है। तो जब पूरा सेट आ जाएगा तब मैं आपको आज के व्लॉग में उसका पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं चाय के बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत दिनों के बाद आज जल्दी उठी हूँ, तो वैकेशन में देर से उठती थी तो आज थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई है। एक दो दिन बाद इसकी हैबिट हो जाएगी, फिर से रूटीन में आ जाऊँगी। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और कुकर की सीटी अभी जस्ट बंद हुई है, तो जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं झाड़ू और पोछा वो ख़त्म कर देती हूँ, और जो चाय के बर्तन वगैरह है वो सब कांच के धो के पतीला वगैरह, पतीला और वो सब बाकी के बर्तन में बाहर हाउस हेल्पर के लिए टब में भरकर मैं रख देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा कंप्लीट हाउस टूर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपना फुल कंप्लीट हाउस टूर का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैंने अभी तक मेरा पूरे घर का टूर वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं किचन, और वो सिंक के पास जो बर्तन देख रहे हैं वो चाय और कॉफ़ी और दूध के बर्तन हैं, जो सुबह सुबह में दो तीन एक दो बार हमारे घर में चाय बन जाती है, तो वो है। और चलिए मिलती हूँ आपसे पाव भाजी जब मैं बनाऊँगी, उसकी रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। बाय द वे, मैंने कुकर में, मैंने अपने चैनल पर बिना कैबेज और फूलगोभी की पाव भाजी कैसे बनती है वो रेसिपी मैंने शेयर की है, लेकिन आज ये अंदर फ्लावर भी है, कैबेज भी है, आलू है और मटर नहीं है, तो बस वो तीन चीज़ें मैंने डालकर कुकर में उसको बॉईल किया है। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं जो मिर्ची कटर है उसमें मैं बारीक प्याज को उसमें पीस लूँगी और टमाटर को भी। तो देखिएगा ज़रूर मेरे साथ कि मैं पाव भाजी कैसे बनाती हूँ, ठीक है। मटर नहीं है आज क्योंकि मटर अभी नहीं आए हैं मार्केट में, आज भी जो वेंडर आया था सब्ज़ी लेकर उसकी भी लॉरी में वो मटर नहीं थे, तो मेरे सारे जो फ्रोजन मटर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं सब से, तो बस विंटर का इंतज़ार था। अब आज इस साल मैं ज़्यादा मटर फ्रोज़न करने वाली हूँ, पिछले साल मैंने 7 से 8 किलो मटर फ्रोज़न किए थे, इस साल मैं 10 से 12 किलो मटर फ्रोज़न करने वाली हूँ, ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में पाव भाजी वगैरह सीजन की भी बनती रहती है, जैसे मैंने बताया था कि लौकी, आलू, मटर वो सब डालकर आप बना सकते हैं, तो उस तरह की पाव भाजी हमारे घर में ऑफ सीज़न बनती रहती है, उसमें मटर अच्छे लगते हैं इसलिए मैं फ्रोज़न करती हूँ, बाकी मैं फ्रोज़न चीज़ें हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, तो मटर के सिवा मैं कुछ भी फ्रोज़न नहीं करती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं मेरे साथ कि मैं पाव भाजी कैसे बनाती हूँ, मिलती हूँ आपको सारा काम ख़त्म करने के बाद। अभी 10:30 बजे हैं, 11:30 बजे तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर दूँगी, उसके बाद मैं पाव भाजी बनाना शुरू करूँगी, तो मिलती हूँ तब तक आपसे। यहाँ कुकर खुल चुका है और जो सारा
आलू गोभी और जो कॉलीफ्लावर था वो उबल चुके, मैंने मैश कर दिया है इसे। और यहाँ मिर्ची कटर में प्याज भी मैंने पीस कर रख दिए। अब ये 3 टमाटर है वो मैं मिर्ची कटर में इसे क्रश कर दूंगी। कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल गरम हो चुका है। अब मैं जो पीसी हुई प्याज है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। स्लो फ्लेम पर मैं इसे भूनूंगी। और मैं इसमें ये गार्लिक की पेस्ट डाल रही हूँ। और इसके बाद जो मैं टमाटर जो मैंने क्रश किए हैं वो मैं डालूंगी। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये इस वक्त डालने से इसका भाजी का जो रंग होता है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये देखिए मैंने टमाटर जो क्रश किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे अब मैंने आँच फास्ट कर दी है। अब इसे हमें भुनना है अच्छी तरह से। मैंने नमक डाल दिया है और अब तेल अंदर से अलग होने तक हमें इसे भुनना है। ये पाव भाजी मसाला मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे ऐसे ही चलाऊंगी जब तक कि ये मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए हमारा जो मसाला था उसमें से तेल अलग हो चुका है। अब वो जो बॉयल सब्जी थी सारी वो मैंने इसमें डाल दी है और इसे मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे धीमी आंच पर उबलने दूंगी ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी पाव भाजी रेडी हो गई है। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और सुबह का जो लंच था वो हो गया था। मेरे हस्बैंड तो 4 बजे ही आए अपने वर्किंग से, उन्होंने 4 बजे ही लंच लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर दर्शन करने के लिए। आज हो सकेगा तो मैं आपको अंदर से दर्शन जरूर करवाऊंगी। और मेरे जो सोफा के जो कवर थे वो आ चुके हैं, तो मैं अब आपको बाहर, मेरे हस्बैंड का कॉल चल रहा है इससे थोड़ी देर के बाद मैं बाहर जाऊंगी, इसलिए मैं अंदर आई हूँ। तो मैं बाहर चलकर आपको दिखाऊंगी कि पूरा जो सोफे का जो लुक था वो कितना अच्छा हो गया। पहले सिंपल जूट के, हाँ वो फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, जो जूट के कुशन कवर थे मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इस टाइप का था सोफा कवर मेरा, ये ऊपर नीचे ही था सिटिंग एरिया में, ऊपर पीछे बैक का हमने नहीं लिया था। और ये थे कुशन कवर जूट के हैं, ये देखिए। तो इसके इन दोनों के बदले में जो तो इनके बदले हम लोग नया लेके आए हैं, इन्हें लाए हुए 1.5 साल हो गया है। तो मैंने आपको बताया दिवाली पर हम नहीं ला सके थे, तो अभी वो आ गए हैं आज। और मैंने बाहर पूरी तरह से इसे सेट कर दिया है, तो मैं आज अभी आपको उसका पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का एल शेप का है पूरा, और हमने इस तरह के ट्रांसपेरेंट फ्लावर प्रिंट वाले कुशन कवर लिए हैं। काफी अच्छा मटेरियल है। नहीं है तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। ये देखिए मैं मंदिर के अंदर आ गई हूँ और ये महाकाली माता का मूर्ति है, ये भद्रकाली माता का मूर्ति है, ये महाकाली माँ है और ये क्षेमंकरी माता का मूर्ति है। और ये मंदिर का बहुत बड़ा परिसर है, बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। ये देखिए ऊपर ध्वजा है और बहुत ही बड़ा मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। यहाँ ये देखिए यहाँ महादेव जी का मंदिर है और मंदिर में एंटर होते ही हनुमान जी का मंदिर है, जो मैं शूट करना रह गया। बाहर से आ चुके हैं और 7:30 बज रहे हैं और आज डिनर में बन रहे हैं आलू पोहा, गुजराती में पटाखा पोहा भी बोलते हैं।
यहाँ मेरे लिए खाने वाली, सचिन भी नहीं खाने वाले, सिर्फ बच्चों के लिए बन रहा है। तो यहाँ मैंने ये आलू काट कर रखे हैं और ये पोहा भी निकाल के रखा है। बन गए हमारे पोहे। फ्रेंड्स आज आपने दर्शन कर लिए माता जी के। मैंने शाम को मैं गई थी तब मैं बहुत पॉसिबल था तो मैंने वीडियो ले लिया माता जी का। और डिनर में जो पटाखे पोहा जो बनाए थे वो तो हमने खा लिए। अभी 11 बज रहे हैं। मैं और सचिन अभी जस्ट वॉक करके आए हैं। हम लोग रोज़ रात को वॉकिंग पे जाते हैं हमारे घर से नज़दीक में, तो हम लोग बस वो वॉक करके अभी आए हैं। वो बाहर बैठे हैं और मैं अंदर, ये लास्ट ये जो वीडियो है वो शूट करने के लिए अंदर आई हूँ। अभी मैं रूटीन जो है मैं कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहन लूँगी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।